अच्छा जी, न्यू नेशनैलिटी लॉ के बारे में डेली बेसिस पे कमेंट्स आते हैं और लोग ये पूछते हैं कि जी क्या बना इसका, क्या हुआ, अभी तक स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 अप्रैल को हो गई थी। इसके बाद इनके पास टाइम होता है रेगुलेशन पोस्ट करने का 90 वर्किंग डेज़। तो अभी 90 वर्किंग डेज़ पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, ना ही इस पर कोई रेगुलेशन आई है, ना ही इस पर कोई अपडेट है कि ये कब तक आएगी। पर 90 वर्किंग डेज़ जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, जो तकरीबन 4 महीने बनते हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो जुलाई का है वो भी इसी के अंदर है, तो चांसेस यही है कि इसके अंदर अंदर ही रेगुलेशन आ जानी चाहिए, इन केस अगर इसको चेंज नहीं किया जाता। क्योंकि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इससे पहले लेफ्ट विंग की जो गवर्नमेंट थी उसने पास किया था, फिलहाल इम्प्लीमेंटेड है और सारा कुछ हो चुका है। लेकिन अगर राइट विंग गवर्नमेंट इसको चेंज करना चाहे तो वो कर भी सकते हैं। और ख़ासतौर पर अभी कल ही की न्यूज़ के मुताबिक शेगा पार्टी ने पार्लियामेंट में ये भी बिल पेश किया के सारे रेजिडेंस कार्ड्स की इशुएंस को रोक दिया जाए फौरी तौर पे, जो कि रिजेक्ट हो गए। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि इस वक्त राइट विंग की गवर्नमेंट है, जिसमें कहीं ना कहीं पे सूरत हाल जो है वो ख़राब भी हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन का वेट है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। जैसे ही आएगी या कोई अपडेट आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।